काफ़ी लंबे समय से गाइज हमारी कोई वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। लंबे समय के बाद एक ब्लॉग वीडियो शूट करने जा रहे हैं गाइज। देखिए आज हम आए हैं अपने खेत में गाइज। जैसा कि देख रहे हो ये सरसों का खेत है, जो हम सरसों बोए थे आपको दिखाए थे हम वीडियो में। ये देखिए ये गेहूं का खेत है हमारा। गेहूं हमारा इतना बड़ा बड़ा हो गया गाइज। अब इसमें हम पानी चलाएँगे। बुआई के 16 से 25 दिन के बाद पानी चलाया जाता है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो ये हम नरजई बोए हुए भैंस को खिलाने के लिए। बरसीन और नरजई मुख्यतः इस समय में बोया जाता है भैंस को खिलाने के लिए चारे के रूप में। तो इस समय हम ये नरजई बोए हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे गाइस, हम दिल्ली गए हुए थे, वहाँ एक भैया हमसे मिले थे, वो बता रहे थे कि ये नरजई जो होती है ना एक्सरसाइज करने के बाद इसके जो दाने होते हैं, इसके दाने को वो लोग पानी में उबालने के बाद उसे लोग खाते हैं। वो बताते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन्स मिलते हैं। तो हमने भैया से बोला भी था कि आप जो ये खा रहे हो ना 400-500 रुपए पाव का लेके, ये हम लोग खेत में बोते हैं और अपने भैंसों को खिलाते हैं ये विटामिन्स। काफ़ी मज़ा आया था भैया से मिलके, और वो बता रहे थे हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। पैकेट लगा के एड करके प्रचार करके इसे काफ़ी महंगे दामों में बेचा जाता है गाइस। अभी नॉर्मली आप यहाँ के मार्केट में, लोकल मार्केट में लेने जाएंगे तो ये 50 से 60 रुपये पर केजी आपको मिल जाएगा। तो गाइज यही है नरजई, जिसे काफ़ी महंगे दामों में शहरों में पैक करके बेचा जाता है, और हम लोग यहाँ गांव में इसे पशुओं के खाने के लिए यूज करते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हो ये गड्ढा ये खोदा जा रहा है। ऐसे ही गड्ढे खोद के हम इसमें बाँस लगाएँगे। बाँस जो ले कर आए हैं, ऐसे बाँस होते हैं, ये बांस हम लेके आए हैं, इस गड्ढे में लगाया जाएगा। और बांस को लगाने के बाद ये जो तार है, तार को उसमें लपेट के बांधा जाएगा ताकि पशु अंदर ना आ सके खेत के। देखिए गड्ढा खोदा जा रहा है गाइज। जैसा कि आप देख रहे हो गाइज, ये हम आलू की फसल लगाए हुए हैं। ये देखिए ये आलू की फसल है, थोड़ा सा ही लगाया है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हो इस खेत में थोड़ा सा ही हम आलू बोए हुए हैं।